परीक्षित नाम के एक राजा को 7 दिन में मरने हेतु श्रृंगी ऋषि द्वारा श्राप दिया गया। उसके मोक्षार्थ हेतु उसके मोक्ष के उपाय सुखदेव ने से वह निरंतर 7वां दिवस है भागवत का रसास्वादन करते हैं। आज हमारी श्रीमद् भागवत जी की विश्राम दिवस की कथा है। श्री भगवान दास जी एवं प्रकाश चंद्र जी की पुण्य स्मृति में यह सुंदर ग्रंथ आज हम विश्राम दिवस की कथा की ओर सुनेंगे। तो पहले प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्णा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए राधे रानी सरकार की। कृष्ण पहला विवाह हुआ है भगवान का रुक्मणी जी के साथ। कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ जामवंती से, एक भालू की पुत्री से। परीक्षित जी कथा को बड़े गौर से सुन रहे हैं। भगवान भालू की बेटी से भगवान का विवाह ये कैसे है? सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं परीक्षित, कृष्ण के राज्य में एक 17 जित नाम का राजा रहता था। उसके पास एक समंतक नाम की मणि थी। उसकी अगर रोज 8 घंटे पूजा की जाए, अगर उसको रोज 8 घंटे पूजा जाए, तो वर्णन यह आता है कि वह रोज 2 बार सोना दिया करते। तो कृष्ण ने सत्राजीत से कहा, राजन तुम तो घर में 4 सदस्य हो, तुम तुम्हारा भाई प्रसेन, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बेटी, तुम आखिर के लिए सोने का करोगे क्या? तुम वह मणि हमें दे दे, हमारे राज्य में उस मणि की हम पूजा करेंगे और जो भी धन आएगा हम सभी उससे राज्य की सेवा करेंगे। सत्राजीत ने कृष्ण को मना कर दिया कि लाला हम आपको मणि नहीं दे सकते। सत्राजीत का भाई प्रसेन उस मणि को गले में पहनकर शिकार करने गया। शेर के साथ उसका युद्ध छिड़ गया। शेर को वो चमकती हुई मणि बड़ी पसंद आई, तो शेर ने प्रसेन को मार दिया और वो मणि अपने बच्चों को लेकर खेलने को दे दी। वहीं से गुजर रहा था एक रीच, उसने वो चमकती हुई मणि देखी। उसने कहा इससे तो मेरी बेटी खेलेगी, तो उसने उस शेर को मार दिया और वो मणि लेकर चल दिया। अब जो ये मणि के चोरी होने का जो आरोप था, कलंक था, वह कृष्ण पर लग गया। और काजल से भी अगर कोई काला होता है तो वो होता है कलंक। कृष्ण ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुवर आखिर मुझे यह कलंक का सामना क्यों करना पड़ रहा है? गुरुवर ने कहा, लाला तूने भादवे की चौथ का चांद देख लिया, जिस कारण से तुझे कलंक का सामना करना पड़ा। कृष्ण अपनी सेना को लेकर चलते हैं, एक वन में जाकर देखते हैं, एक स्थान पर प्रसेन मरा पड़ा है और वहां से एक शेर के पैरों के निशान। शेर के पैरों के निशान के पीछा किया तो आगे शेर भी मरा पड़ा और वहां से एक रीच के पैरों के निशान। पीछा करते करते एक गुफा के पास पहुंचे। कृष्ण ने अपनी सेना को कहा, तुम बाहर रहो, अगर 27 दिवस तक मैं न आया तो तुम चले जाना। कृष्ण अंदर गए हैं, अंदर था वह रीच। उस रीच से कृष्ण का भयंकर युद्ध हुआ, 27 दिन युद्ध चला। अंत में वह रीच थक गया और कहा, भगवान मैं पहचान गया आप मेरे रघुवर राम। जब भगवान राम सीता को लेकर आ रहे थे तो सबने कुछ ना कुछ मांगा। जामवंत जी से कहा गया तो जामवंत जी ने कहा, भगवान मुझे यहां पर मेरे समान लड़ाई करने वाला, युद्ध करने वाला कोई नहीं मिला, तो आपसे दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा, सेवक और स्वामी का युद्ध नहीं हो सकता, पर तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारे अगले काल में मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। तो आज जामवंत जी की मेरे भगवान ने वो इच्छा पूरी की।
जामवंत ने वो मणि दी सुदी, साथ में अपनी बेटी का भी हाथ भगवान के हाथ में दे दी। कृष्ण की पत्नियों में सबसे सुंदर थी जामवंत। कृष्ण ने लाकर मणि सत्राजीत को लौटा दी कि भाई हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ, आज अपनी बेटी का हाथ भगवान के हाथ में देकर कृष्ण के साथ उसका भी विवाह कर दिया। उसका नाम था सत्यभामा। कृष्ण अर्जुन दोनों वन में गए। वन में एक स्त्री तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने उससे जाकर पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं कालिंदी हूं, यमुना सूर्य की पुत्री, कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यहां तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने कृष्ण का हाथ उसके हाथ में दिया और वहीं पर वेद मंत्र पढ़कर दोनों का विवाह कर दिया। पांचवा विवाह हुआ कृष्ण का विंद अरविंद की बहन मित्रवंदा से। छठा विवाह हुआ कृष्ण का सत्या से। सातवा विवाह हुआ कृष्ण का भद्रा से और आठवा विवाह हुआ कृष्ण का लक्ष्मण से। ये कृष्ण के मुख्य आठ विवाह, ये मुख्य आठ विवाह। कृष्ण को सूचना मिली कि भौमासुर नाम के एक असुर ने अपने यहां 16,100 राज कन्याओं को कैद कर रखा है। उसकी इच्छा थी कि जब ये 20,000 हो जाएगी तो एक साथ इनसे विवाह कर। भगवान को आज सूचना मिली, सत्यभामा को लेकर कृष्ण भौमासुर के यहां गए और मेरे भगवान ने आज भौमासुर का उद्धार किया। कृष्ण ने सोचा कि अब इनके पास दो ही मार्ग हैं, या तो ये गलत मार्ग में जाए या ये कुएं में कूद कर मर जाए, क्योंकि इनके घर वाले अब इन्हें नहीं अपनाएंगे। तो मेरे भगवान 16,100 कन्याओं को आज एक साथ ही पाणि ग्रहण संस्कार के रूप में स्वीकार कर लिया और कृष्ण के कुल विवाह हो गए 16,108। द्वारका नगरी में कृष्ण उनके साथ बड़े आराम से रहते, बड़े आनंद से कृष्ण का उनके साथ जीवन व्यतीत हो। कृष्ण का जीवन बड़ा विचित्र है। नारद जी आए, देखा यह अंदर 16,108 है और बाहर निकलते हैं तो एक हो जाते हैं। नारद के मन के इस शंका को भी भगवान ने दूर की। जीवन में दरिद्रता वह नहीं है कि हमारे पास पैसे की कमी। दरिद्रता किसे कहते हैं? दरिद्रता का मतलब होता है जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष नहीं है वो दरिद्र है। जिसके मन में और की कामना है वो व्यक्ति दरिद्र है। जिसके पास होने के पश्चात भी जो और की कामना करे वह दरिद्र व्यक्ति कहलाता है। कृष्ण के ऐसे ही एक मित्र है जिसे कई पुराणों में दरिद्र बताया। उन्हें विपन्न गरीब निर्धन बताया। उस कृष्ण के मित्र का नाम था सुदामा। सांदीपनि मुनि आश्रम में कृष्ण की उनके साथ मित्रता। सुदामा की पत्नी सुशीला बहुत बार कहते कि तुम्हारा मित्र इतना धनवान है, उसके पास जाकर तो आओ, उसके पास ऐश्वर्य सुख समृद्धि किसी प्रकार की कमी नहीं है, तुम जाते क्यों नहीं? सुदामा हर बार बात को टाल देते, कोई ना कोई बहाना कर मना कर देते। सुदामा का जीवन इतना साधारण है कि छोटी सी कुटिया है। सुबह जाते वन में, कोई अपने खेतों में बीज अन्न के दाने मिलते उन्हें लेकर आ जाते, उनको अपने पीस लेते और जो भी जितना भी उनसे अनाज निकलता उतने का अपने बनाकर भोजन पा लेते। साधारणतः एकदम जीवन था। आज सुदामा की पत्नी सुशीला जिद करके गई कि मुझे नहीं पता, आपको तो जाना ही है। देखिए, हम वाकई में जिसे घर कहते हैं ना, ईंट का, बजरी का, सीमेंट का, उसका नाम घर नहीं होता।
न ग्रहम ग्रहम इत्या हो ग्रहणी ग्रहम उच्यते। अगर घर में ग्रहणी न हो तो वो घर घर नहीं है। वह केवल मात्र ईंटों का बनाया हुआ एक मकान हो सकता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में यह बात कही गई है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, जिस घर में स्त्री को आदर दिया जाता है, वहां पर देवता नित्य करते हैं, वहां देवता रमण करते हैं। यत्र नारी पूज्यन्ते, स्त्री का सम्मान आवश्यक है। क्यों? सुदामा का जीवन आप देखिएगा, भागवत में जितने चरित्र आए उनमें स्त्री का मां का पत्नी का हाथ रहा। दुर्व दुर्व को सब कुछ बनाने में उसकी मां का हाथ, प्रहलाद को सब कुछ बनाने में उसकी मां कयाधु का हाथ। जीवन में जिन जिनको भगवान की प्राप्ति हुई है उनमें लगभग उनके जीवन में उनकी मां का ही हाथ रहा या उनकी पत्नी का। सुशीला भी जिद करके बैठे का मुझे नहीं पता, आपको जाना ही होगा कैसे ही करके कृष्ण के यहां। तो सुदामा ने कहा भाई इतनी जिद कर रही है अब क्या करूं। कहा ठीक है देवी हम जा। अब सुशीला सोचने लगी कि अगर मैं इनको बोलूंगी कि आप कुछ लेकर जाओ तो ये मना कर देंगे, कहेंगे दोस्तों से मिलने जा रहा हूं ये कब थोड़ी। और कृष्ण इनसे पूछेगा कि आप कैसे हैं तो ये कह देंगे लाला मेरे समान तो कोई सुखी नहीं, ये बखान नहीं करेंगे। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे कृष्ण को हमारी दशा का भी गान हो जाए भान हो जाए। तो सुशीला पांच घर से लाकर पांच घरों में जाकर पांच घर से चावल, क्योंकि पांच घर में एक समान तो चावल होने से रहे, किसी के छोटे किसी के मोटे किसी के तिनके वाले किसी के लंबे वाले अलग, और घर में से ऐसा कपड़ा लिया जिसको पांच जगह बलिष्ठ देकर वापस बनाया गया था, मतलब पांच जगह से जो फटा हुआ उसमें चावल डाल कोटली बांधकर दे दी। कहा कृष्ण इसे देखकर सारी बात समझ जाए। सुदामा उसे लेकर निकलते हैं, यात्रा करते करते थकते थकाते, क्योंकि देखिए ब्राह्मणों को तो पता नहीं यह क्या शुरू से ही मिला हुआ है। कोई भी कहानी होती है तो उसमें शुरुआत पता है कहां से होती है, किसी गांव के किनारे एक गरीब ब्राह्मण रहता है, कोई भी शुरुआत उसकी यहीं से। तो सुदामा बेचारा दुखी हुआ चलता चलता धीरे धीरे कि मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं। चलते चलते पहुंच गया समुद्र के किनारे। अब भला समुद्र को पार कैसे, नाव की जरूरत। इतने में तो सामने से उसे एक नाव आती हुई दिखाई। सुदामा ने कहा क्यों भैया पार लगाओ, तो नाव वाले ने कहा भाई हमारा काम ही यही है, हम पार क्यों नहीं लगाए। सुदामा उसमें बैठे, पर हमारे पास कुछ है नहीं। तो नाव वाले ने कहा आप जैसा तो मुझे ऐसे ही पार लगाना पड़ेगा बैठ करके। अब नाव वाला जो है वो बार बार पीछे घूम कर देखे और हंसे। सुदामा जी ने कहा भाई तुम हंस क्यों रहे हो बार बार हमें देखकर, ऐसा हमें क्या दिख गया। कहा मुझे एक बात बताइए अब जा कहां रहे। कहा हम हमारे मित्र कृष्ण के पास जा रहे। तो वो और जोर से हंसे। तो सुदामा बोल पड़े कि तू कहां जा, हमारो लालो वेश ना देखे, हमारो लालो मन देखे है। और वर्णन यह आता है कि वो नाविक कोई और नहीं थे, कृष्ण स्वयं बन करके आए थे सुदामा को पार लगाने। दूसरी ओर ले जाकर सुदामा को छोड़ दिया। तो सुदामा ने कहा भाई ये द्वारका और कितनी दूर है। कहा भाई दूर तो नहीं पर आपको देखकर मुझे यह लगता है कि पहुंचने में 6 महीने और। तो अपने सुदामा ने आदि धोती बिछा ली
आदि ओढ़ लियो और वहीं पर सो गए कि अब अगर तुझे बुलाना है तो बुला वरना तेरी नींद लग गई। पर जैसे ही आंख खुली, जैसे ही आंख खुली तो देखा है सामने विशाल महल बने हुए, चारों ओर कृष्ण कृष्ण की आवाज आ रही। सुदामा ने उठ करके अपनी धोती सही की, टूटी सी वह छड़ी है, फूटा हुआ लोटा है, जो धोती पहने वो भी बलिष्ठ साबुत नहीं है, हर जगह से लगभग फटी हुई, पैर फूल कर सूज कर इतने मोटे मोटे हो गए, कहीं पर कांटे चुभे हैं। और चलते चलते पहुंच गया द्वारका के महल। जय विजय से जाकर पूछने लगा कि भई ये कृष्ण की द्वारका कहाँ है। उन्होंने कहा उसी के आगे खड़े। तो कहा मुझे कृष्ण से मिलने दे। कहा देखिए हम मिलने तो दे दे, पर अभी हमें अंदर से आज्ञा आई है कि भगवान आराम कर रहे हैं। तो कहा तुम एक बार उसे जाकर तो कहो। जय विजय, जय विजय ने सोचा बेचारा गरीब ब्राह्मण है तो बोल देते, जाकर मेरे भगवान से कहा कि भगवान क्षमा चाहते हैं, पर बाहर एक ऐसा ब्राह्मण आया है जिसके शरीर पर ना वस्त्र साबुत, जो लोटा है वो भी फूटा हुआ, लकड़ी है वो भी टूटी हुई, पर पूछ दीन दयाल को धाम और नाम बतावत अपनो सुदामा। भगवान अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे ही कृष्ण ने सुना कि सुदामा आए हैं, भगवान सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़े अपने मित्र से मिलने के लिए। कृष्ण ने यह नहीं देखा कि मैं जिससे मिलने जा रहा हूं उसके वस्त्र क्या है, उसने पहना क्या है, हाल क्या है, ढंग क्या है, चाल नहीं। पर जैसे ही नाम बोल दिया ना कि सुदामा है, कृष्ण सब विसर गए। मेरा मित्र सुदामा, दौड़कर मेरे भगवान सुदामा को लेने द्वार पर पहुंचे। कैसे आइए जानते हैं। अरे द्वार पालो, सुदामा द्वार पर। कृष्ण ने जैसे ही सुना कि मेरा दोस्त सुदामा आया, कृष्ण ने अपने चरणों में पादुका नहीं पहना, सुदामा का नाम सुनते ही दौड़ लगा दी है कृष्ण ने। और जाकर सुदामा को भगवान ने सीधे अपने आंगन में पहली ड्योढ़ी पर जाकर कृष्ण ने गले से ले लिया। आज सभी रानियां चिंतित है कि ऐसा कौन आ गया जिसे देख करके भगवान दौड़ पड़े, ऐसा कौन। सभी कृष्ण के राज्य के सैनिक इत्यादि दौड़ कर बाहर आए कि भगवान भाग गया, भगवान भाग कर आए, ऐसा कौन। सुदामा को लेकर कृष्ण अंदर आए। अपने ऊंचे सिंहासन पर कृष्ण ने सुदामा को बिठाया। रुक्मणी जी से कहा है वह परात और एक लोटे में जल लेकर। पर जब देखा कि सुदामा इतने प्रेम से केवल मुझसे मिलने के लिए आए हैं और इसके पैरों में इतने छाले पड़े हैं, इतने कांटे चुभे हुए, और मुझसे मिलने के लिए ये इतने दुख सहन करके आया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणापति रोए, पानी परात छूयो नहीं और नैनन के जल सौ पग। कि जब सुदामा की मेरे भगवान ने दशा देखी तो जो लोटा लेकर आए थे उसके जल से सुदामा के पैर नहीं बल्कि अपने मित्र के प्रति इतना प्रेम भाव देखकर कृष्ण के नेत्रों से जो आंसू बह गए, मेरे भगवान ने उसी से सुदामा के पैर। सुदामा देखकर कि मेरा लाला आज भी बिल्कुल नहीं बदले। रुक्मणी सोच रही है कि ऐसा कौन ब्राह्मण आ गया।
चरणों को धोकर भगवान अंदर लेकर गए। 56 भोग लगे हुए हैं। सुदामा से कहा पाओ। सुदामा ने कहा लाला देख, अगर ऐसा प्रसाद पाऊंगा, ये राजसी भोजन है, ये प्रसाद पाऊंगा तो मेरी बुद्धि भी राजसी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं पाऊंगा। कृष्ण ने कहा कि अगर व्यक्ति से मेरा प्रसाद समझ कर पाए तो ये भोजन फिर राजसी नहीं रहे। कृष्ण पास में बैठकर भोजन कर रहे थे, इतने में आई रुक्मणी, प्रणाम किया, कहा कृष्ण। दूसरी आई गाजी में जामवंती, कहा कृष्ण। तीसरी आई का सत्य बामा, कहा कृष्ण। कहा जी मैं सत्या, कहा कृष्ण। कहा जी मैं लक्ष्मण, कहा कृष्ण। जी मैं भद्रा, कहा कृष्ण। जी मैं रोहिणी, कृष्ण की एक पत्नी का नाम रोहिणी भी। ऐसे करके कोई 300-400 पत्नी आई थी। कहा लाला इधर आ, कृष्ण का कहा सब अपनी है। कहा बिल्कुल सारी की सारी अपनी। कहा लाला और कितनी है? कहा अभी तो 16,108 पड़ी। कहा लाला तू यो कर सबका आशीर्वाद खुद ही ले। कहा हां पंडित जी बताइए आपने ये विवाह किया या नहीं किया? बचपन में तो आप कहते थे हम विवाह नहीं करेंगे। सुदामा ने कहा लाला इच्छा तो नहीं थी पर घर वालों ने करवा दिया। कृष्ण ने कहा आपने हमें बुलाया नहीं, विवाह कर लिया और याद भी नहीं किया कि वाह लाला हमने एक किया नहीं बुलाया और खुद जो जेठ की जेठ लेके बैठा है उसका हम भी बोल दें कि तुमने भी हमें नहीं बुलाया। कृष्ण ने कहा हमारी भी इच्छा नहीं थी, कब किससे कैसे विवाह हो गया हमें भी पता नहीं चला। किसी को हरण करके लाए, किसी को छुड़वा कर लाए, किसी को भगा कर लाए, मतलब हरण करके, तो हमें भी पता नहीं चला। सब लड़ाई से ही हुए हमारे भी विवाह। तो विवाह हो गया है तो भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा भी हो। अब सुदामा ने जो चावल की पोटली अपने बगल में दबा रखी थी उस बगल को पीछे कर कहा लाला तो ये याद है तू बचपन में कैसन कैसन कभी माटी खावत कभी कुछ करत। किसने कहा मुझे सब याद है। भाभी ने कुछ भेजा या नहीं? सुदामा ने कहा अरे रानियों आपको पता है यह बचपन में एक चींटी बेनम के लिए माखन मांगता था, नंगा घूमता था यह कृष्ण गलियों में। कृष्ण ने कहा ये जो है ना 16,108 ये सब मेरी हर हरकत से वाकिफ है, इसलिए आज मेरे पीछे है, आप इन्हें मत बताओ। मुझे तो ये बताओ कि भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है कि नहीं, नहीं। बस इतना बता दो। और इतने में तो कृष्ण को वह उठी हुई सुदामा की बगल दिख जो अलग ही ऊपर से उठ रही थी। कृष्ण को वह दिखाई दे गई और कृष्ण ने कहा कि यह आपकी एक तरफ से बगल ज्यादा ऊपर उठी, इसका क्या रहस्य है हमें बताइए। सुदामा ने कहा लाला कुछ नहीं है। इतना सुदामा का कहना हुआ ही था कि मेरे भगवान सुदामा की बगल से उस पोटली को खींच ली। कृष्ण को एक क्षण भी नहीं लगा सुदामा के घर की दशा को जानने में। कृष्ण उस पोटली को हाथ में लिए घुमा घुमा कर देख रहे और कृष्ण एक क्षण में उसकी पूर्ण कथा समझ उसे खोलकर कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाए हैं और कहा अनिल इंद्र को जितना सुख है वह सुदामा को। दूसरी मुट्ठी भरकर चावल खाया, कहा एक छत्र राजा साम्राज्य सम्राट को जितना सुख मिलता है उतना सुदामा। तीसरा जैसे ही खाने को हुए रुक्मणी ने हाथ का भगवान आज एक ब्राह्मण पर बड़े दयावान हो रहे हो। कृष्ण ने कहा क्यों भूल गए? आपकी शादी का निमंत्रण पत्र भी एक ब्राह्मण लेकर आया था। रुक्मणी ने कहा अरे लाला मैं ऐसे नहीं कह रही, कच्चे हैं चावल तुम्हारे पेट दर्द करेंगे। सुदामा ने कहा समझता ही नहीं है। और मेरे भगवान ने दो चावल मुट्ठी खाकर सुदामा को सब कुछ दिया। सुदामा लौट कर आज अपने घर आया,
वहां पर उसकी झोपड़ी नहीं है, आज वहां पर ऊंचा महल खड़ा है, विशाल महल। सुदामा ने कहा भाई यहां पर हमारी झोपड़ी थी, आप बता सकते हैं कहां गई? कहा थी तो सही, अब कहां है ये हमें नहीं पता। हमारे जो सेठ है वो तो घूमने गए हैं द्वारका, इसलिए हमें जानकारी नहीं है कि वह आखिर कहां गए। तो कहा है तो हमें बताना जरूर कि हमारी झोपड़ी आखिर कहां। सुदामा चले ही थे कि इतने में पीछे से दौड़कर आई सुशीला। कहा अरे रुकिए, मैं आपसे कहती थी ना एक बार आप कृष्ण के द्वार पर जाइए तो सही, देखिए आज कृष्ण ने हमें सब कुछ दे दिया। सुदामा ने कहा देवी अब तुम हीरे की रोटी बनाओ, सोने की सब्जी और चांदी की अचार, परंतु मैं अब इसमें नहीं रहूंगी, मैं अपने अकेले जाकर भगवान का भजन। उसने कहा जब आप ही नहीं रहोगे तो मैं क्या करूं, वह भी कृष्ण के साथ चलने को तैयार है। दोनों निकले ही थे कितने में उनके पीछे टेढ़ी टांग किए मेरे कृष्ण कन्हैया लाल खड़े। कहा सुदामा मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि तुम इसे मेरा प्रसाद समझ कर पाओ, तुम्हारा अपने आप कल्याण होगा। सुदामा ने भगवान के कहे पर बहुत समय तक उनके साथ रहे और आगे कल्याण की ओर प्रस्तुत होते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्णा। सुदामा प्रेम के कारण आज सब कुछ पा रहे, ऐसी भगवान सुंदर लीला कर। आज यह वार्ता हो रही है कि आखिर कृष्ण की क्या आदत थी कि कृष्ण रोज बैठकर अपने परिवार के बच्चों को सुंदर संदेश देते, शिक्षा देते। कृष्ण को आकर कहा गया कि आप पहले पांडवों के यहां चलिए, वहां का सुधार आपको करना है। जरासंध नाम के एक राजा ने 2000 राजाओं को कैद कर रखा। कृष्ण अर्जुन भीमसेन वेश बदल कर गए, साधु बनकर गए। जरासंध साधुओं को बड़ा मानता था, तो कहा बताइए आपकी क्या सेवा करूं, कब जो मांगेंगे वो देना पड़ेगा। कहा मांगे, कहा बस आपसे युद्ध करना है। जरासंध ने कहा तुम संत नहीं हो सकते, संत युद्ध का नहीं, अब बताओ कौन हो। तुम्हारी जो मुस्कान है, तुम्हारी जो हंसी है वो मुझे देखी देखी। कहा ये है अर्जुन, ये है भीमसेन, और मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। तो कहा तुमसे तो क्या युद्ध करूं, तुम तो पहले ही रण छोड़कर भाग, और अर्जुन पतला है, भीमसेन से युद्ध करो। भीमसेन की छाती और 18 दिन युद्ध चला। जरासंध के शरीर का कोई भी अंग अगर टूट जाता, भंग होता, तो वो वापस जुड़ जाता। आज भीमसेन आया और कहा कृष्ण या तो तुम बता दो इसे कैसे मारूं, वरना मुझे इन सब को छोड़कर भाग जाना है। कृष्ण ने एक तिनके को चीर कर दो अलग अलग दिशाओं में फेंक कर बताया कि इसको ऐसे मारो, क्योंकि जरासंध का शरीर एक था पर वह दो शरीर से जुड़ करके बना, जिसके पश्चात जरासंध का उद्धार किया। कृष्ण ने अपने बच्चों को समझाया कि संतों का अपमान मत किया। उन्होंने कहा पिताजी बड़ा ज्ञान देते हैं, आज देखते हैं आखिर यह संत है क्या। सब प्रभास भंडारक क्षेत्र में गए जहां अनेकानेक जहां संत बैठे। जामवंत के पुत्र सांब पर शिव संग अंबा, वह दिखने में बड़ा सुंदर था, उसके पेट पर कपड़े बांध कर लेकर गए और संतों से जाकर पूछा कि इसके लड़का होगा या लड़की। संत सब जानते थे, संतों ने कहा क्यों करते हो। कहा बताओ इसके लड़का होगा या लड़की। कहा इसके ना होगा लड़का ना होगी लड़की, इसके एक मूसल होगा और वो तुम्हारे वंश का नाश करेगा।